नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बहन को विदा कराने गया भाई को बहनोई ने मारी गोली, घायल। बिदुपुर से अभिनय कुमार की रिपोर्ट। बिदुपुर के धोबली गांव के हरेश्वर सिंह के पुत्र अतुल कुमार को उसके बहनोई द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया। घटना शुक्रवार को तब हुई जब अतुल अपनी बहन को विदा कराने के लिए गया था कि उसके बहनोई और उसके भाई उसकी बहन से मारपीट कर रहे थे और बचाने गए अतुल पर गोली चला दी। घायल अतुल का बिदुपुर PHC में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। अतुल ने बिदुपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी बहन कोमल कुमारी की शादी लगभग 2 साल पहले समस्तीपुर जिलांतर्गत मोहद्दीन नगर थाने के बेरी चापर निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र आनंद सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय नकदी, गहने, फर्नीचर आदि उपहार में दिए गए थे। शादी के बाद से ही उसकी बहन के साथ ससुराल वाले दहेज की मांग करते हुए बराबर मारपीट करते रहते थे। इन दिनों मारपीट की घटना बढ़ गई तो शुक्रवार को मैं अपनी बहन को विदा कराने गया। मैंने वहां देखा कि मेरे बहनोई आनंद सिंह और उनका भाई ओम सिंह मेरी बहन के साथ मारपीट कर रहे थे। बचाने गया तो दोनों मुझसे उलझ आए और मारपीट करने लग गए। जब मैं बचाने गया तो मुझ पर गोली चला दिया, जो मेरे कमर से ऊपर लगा और मैं घायल हो गया। PHC में इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतुल कुमार के साथ काफी संख्या में समर्थक उसके साथ बेरी चापर में मारपीट करने गए थे, जहां इस तरफ से भी गोली चली, जिससे आनंद सिंह का भाई दिव्य प्रकाश सिंह को बाह में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसका मोहद्दीनगंज में इलाज किया जा रहा है। और फिर मैं अपने भाई को फोन की कि मेरे को ऐसे ऐसे जला रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ। फिर वो धक्कम धुक्कम करने लगे, फिर बुलेट के लिए भी वो लोग मांग करते थे और मेरे चेहरे के लिए भी कि बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। उसके बाद मारपीट वो मतलब करते रहते थे। अपने भाई को बुलाए थे, मेरे वो लोग जब मेरे भाई लोग दबाए तो वो लोग भाई से भी मारने लगे। वो अपने पापा का लाइसेंस बंदूक लेके मुझसे फायर करने की कोशिश की। बचाने के कारण मेरे भाई को बीच पे लगा, जिससे उसको ब्लडिंग व्लडिंग आ गई थी। और मैं अपने भाई को जैसे वो मुझे खींच के जैसे बचाया, तो उसके अपने खुद के उसके भाई को वो खुद मतलब उसको गोली लगी। कितने बजे की घटना है और कहाँ पे गोली लगी है, कौन सी जगह? हाथ में उसकी गोली लगी है और घटना है 8:30 बजे। हाँ, वही लोग मतलब गोली मतलब मेरे को मार रहे थे। मेरा भाई हटाया, साइड किया, तो उसके भाई को खुद लग गया। वो खुद अपने पिताजी की लाइसेंस से बंदूक से अपने भाई को मारा। चंदोली में जो घायल है, इधर से उधर से? जी सर। अच्छा, कब गए थे भाई आपको बुलाने? मेरा भाई कल 8:30 बजे गया था बुलाने कि हाँ कि मतलब चलो यहाँ पे रहना नहीं है, ये लोग मारपीट हर रोज करते थे। मतलब हर कभी चेहरे को लेकर डिमांड, कभी बुलेट को लेकर डिमांड, कभी पैसे को लेकर डिमांड, हम मतलब वो करते रहते। शादी हुआ था? मेरा 2021 में शादी हुआ था 21 तारीख को। वो मैं मतलब बोलते थे कि हम टाटा बिरला में जॉब करते हैं, ये करते हैं, मतलब शादी उनकी फ्रॉडिंग थी, बट वो कुछ करते नहीं थे। मेरे पिताजी से उन लोग झूठ बोल के मतलब दहेज वगैरह ये सब। कहाँ लाए अभी? मैं अपने भाई को सदर हॉस्पिटल दिखवाने के लिए लाई हूँ। नाम बता दीजिए उसका, पूरा डिटेल बताइए। कोमल का शादी हुआ है, लड़का इसको खूब मारता है, कल मिट्टी तेल उजल के आग लगा रहा था तो बच गया। तो हम लोग लाने के लिए गए तो उसका लड़का गोली चलाया, उसका पापा को समझ के उसको मारा। उसका कौन है लड़की? लड़की का हम चाचा है, भाई है, भाई है अतुल नाम है। आज सुबह लगा है मॉर्निंग में 6-7 बजे मोहद्दी नगर में। क्या नाम है बाबूजी का? नाम क्या है इसका? हरेश्वर सिंह। घर? धवौली। धवौली धवौली। थाना? बिदुपुर। घटना कहाँ हुआ है? मोहद्दी नगर में हुआ है, समस्तीपुर जिले में। हाँ, समस्तीपुर जिले में। कितने आदमी था वो लोग? पूरा गांव है था, पूरा 31 साल घर से। कब शादी हुआ था इनकी बहन का? 1.5 साल पहले हुआ है। काहे से हो रहा है विवाद? विवाद लड़की और लड़का में चल रहा है, नहीं रखना चाह रहा है। आप चाचा हैं? धीरज कुमार।